ओके सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 3 जिसमें है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जस्ट इन टाइम एंड फ्यू बेसिक्स ऑफ ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड जीआईटी इज जस्ट इन टाइम। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ शॉर्ट टर्म और इन एक्रोनिम फॉर्म में हम लोग TQM भी लिखते हैं। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम क्या लिखते हैं, TQM, ईयर TQM। सो TQM क्या होता है, बेसिकली हम इसका फुल फॉर्म से देखते हैं, टोटल सारी चीज़ों को लेके चलना, उसकी क्वालिटी को मैनेज करना, सो दैट आपका क्या हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हो। सो दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, सो द TQM इज बेस्ड ऑन द प्रिमाइस दैट एनी प्रोडक्शन और अ सर्विस कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो दैट इज इट कैन बी इम्प्रूव दैट एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी। क्योंकि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को उनका सर्विसेज या फिर उनका प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है, सो दैट द कस्टमर विल बाय देयर प्रोडक्ट। अदरवाइज क्या हो, कस्टमर स्विच कर जाएंगे किसी अदर प्रोडक्ट में। ठीक है, उनके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में स्विच कर जाएंगे और या कॉम्पिटिटर्स की सर्विसेज में चले जाएंगे। ठीक है, सो द एसेंस ऑफ TQM इज अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, सारे लेवल पे, वेदर इट मे बी योर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, योर लोअर लेवल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल, जो भी लेवल है। ठीक है, सारे लेवल्स में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, सो दैट हमारा जो अल्टीमेट गोल है, क्या है हमारा अल्टीमेट गोल, कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें एज मच एज वी कैन एंड एंड एट अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक एक मंथ, 2 मंथ कस्टमर आपका सेटिस्फाई होकर आपका प्रोडक्ट खरीदता है एंड देन आफ्टर वो क्या करता है, आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद करता है, ऐसा नहीं। आपको एक एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या करना है, फॉर अ लॉन्गर रन के लिए अचीव करना है। सो हियर द टोटल मीन्स द कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ डीलिंग विद ऑल द शॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम इन एनी प्रोडक्शन सिचुएशन। क्या करना है, टोटल मतलब हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, एक ऐसा वे लेके चलना है जिसको हम लोग समझ सकें, जान सकें, उसके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकें एंड उसमें जो भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। दैट मीन्स द टोटल। नेक्स्ट इज क्वालिटी। सो क्वालिटी मीन्स मीटिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर को किस टाइप के चीज़ों की या प्रोडक्ट की या किसी प्रोडक्ट में पर्टिकुलर फीचर की रिक्वायरमेंट है, हम उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में इनकॉर्पोरेट कर सकें। एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एट द लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। एंड आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करके हमको उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाना नहीं है, हमको उसके प्रोडक्ट के कॉस्ट को लोएस्ट रखना है एज मच एज वी कैन एंड नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम टू द एवरी टाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट कि आपका जो क्वालिटी है, एवरीवन शुड शुड बी इन्वॉल्व इन द क्वालिटी एट ऑल लेवल्स एंड अक्रॉस ऑल द फंक्शन इंश्योरिंग द क्वालिटी एट ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो क्या होना चाहिए, सारे लेवल्स में होना चाहिए, हर फंक्शनल डिपार्टमेंट में होना चाहिए एंड एंड क्वालिटी जो है वो ईच एंड एवरी स्टेप में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए एंड उसको क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमको ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन में फॉलो करना है। नाउ कम्स टू द थर्ड थर्ड टर्म दैट इज द मैनेजमेंट। सो हियर द मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजर्स और द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन जॉब। ठीक है, एंड हियर जो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैनेजमेंट जो है अपने अपने जो डिपार्टमेंटल वर्क है या जो अपने जो भी पर्सनल वर्क है, पर्सनल मीन्स प्रोफेशनल वाले जो वर्क है, वो सारे वर्क के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा एंड सारे वर्क जो है टाइमली करेगा, प्रॉपर वे में करेगा, सो दैट उनका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिटेरिएट ना हो। ठीक है, सो द बेसिक एसेंस ऑफ TQM इज द वैल्यू एडिशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यू टू अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, थ्रू विच वैल्यू किस में ऐड होती है, आपकी कंपनी में भी वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, सो बिजनेस यूनिट ड्रॉज ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड ऐड द वैल्यू इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आउटपुट। क्या करता है, रिसोर्सेज लेता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं हमारे, रॉ मटेरियल, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, कैपिटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी हमको चाहिए, एंड ऐड करते हैं वैल्यू। ठीक है, हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आउटपुट और अ प्रोडक्ट, जो क्या करता है, कस्टमर का जो डिलाइट है या कस्टमर की जो नीड है, डिमांड है, उसको क्या हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ द कस्टम TQM प्रस्पेक्टिव रिकॉग्नाइज करता है बोथ क्वालिटेटिव एंड एज वेल एज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, सो क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव मीन्स एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो है आपका मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। दिस मीन्स कि TQM जो होता है दोनों के साथ डील करता है, दैट इज बोथ एट द क्वालिटेटिव लेवल एंड ऑल्सो एट द क्वांटिटेटिव लेवल, एट क्वांटिटेटिव लेवल। ठीक है, ओके, नाउ TQM प्रोसेस जो होता है बेसिकली हाईलाइट करता है दैट द क्वालिटी जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्वालिटी में जो इंप्रूवमेंट करना है हमको वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक वन शॉट प्रोसेस नहीं है। व्हाई, बिकॉज
आप जो पहले क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदते थे, हो सकता है कि आपको अब बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए. लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन. आप पहले क्या यूज करते थे, सबसे पहले फोन आया तो बड़ा सा एक डब्बा सा फोन होता था. देन आफ्टर इट स्विचेस टू अ स्मॉल कीबोर्ड काइंड सॉरी कीबोर्ड या कीपैड वाला फोन. देन इट स्विचेस टू अ स्मॉल छोटा वाला टच स्क्रीन. नाउ इट स्विचेस टू अ लार्जर स्क्रीन टच वाला टच स्क्रीन. नाउ इतना कॉर्नर तक अब स्क्रीन आने लग गया है कि सिर्फ एक छोटा सा होल होता है फ्रंट कैमरा के लिए, है ना. सो ये है उसका क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट. ठीक है. सो वही बोल रहा है दैट TQM का जो प्रोसेस है वो बेसिकली मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमको क्वालिटी को कंटिन्यूअसली प्रोसेस में इम्प्रूव करना है. दैट कैन बी ब्रोकन एवरी एनी वेयर इन द सिस्टम ऑफ सप्लाई एंड कस्टमर सर्विसेज. हम उस एंड जो प्रोसेस होता है जो हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, हमको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके हम लोग ये काम करते हैं. ऐसा नहीं आप वन शॉट प्रोसेस है, एक बार ही नहीं करोगे, धीरे 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 हर चीज़ों में इंप्रूवमेंट होता है. ठीक है. सो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन लेट ईच अदर एंड एवरी पर्सन इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी को आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईच एंड एवरी पर्सन को टीच करना है एंड बाय कीपिंग दैम अवेयर दैट कि आपका भी जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी पर्सन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस TQM और इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो आपका जो TQM है वो जो है बेसिकली एक व्हील है, दैट इज नोन एज द डेमिंग व्हील. उस कॉन्सेप्ट पे बेस, उस प्रोसेस या कॉन्सेप्ट पे बेस करता है. एंड द व्हील जनरेट द एक्टिविटी विद अ मेजरेबल आउटपुट इन अ प्रोसेस एंड द परफेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज द अल्टीमेट गोल. सो व्हील देख लो, पहले सबसे पहले व्हील है आपका ये, दैट इज डेमिंग व्हील और दैट इज ऑल्सो नोन एज द PDCA साइकिल, दैट इज प्लान डू चेक एंड एक्ट. ठीक है. PDCA साइकिल. सो प्लान, फर्स्ट स्टेप इज द प्लान, यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो प्लान में क्या करते हैं, वी विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मेक अवर प्लान्स. देन आफ्टर डू, डू मीन्स क्या करते हैं, डू में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं पोटेंशियल सॉल्यूशंस की, क्या क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं हम, सो दैट हम दिस ये जो प्रॉब्लम है प्लान फेस में जो हमको मिल रहा है, ठीक है, उसको हम रिमूव कर सके. देन चेक, चेक मीन्स स्टडी द रिजल्ट. जो हमने डू में जो भी स्टेप्स किया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसको हम लोग क्या करते हैं, इन दिस थर्ड स्टेप वी विल चेक दैट एंड देन फाइनली एक्ट. एक्ट मीन्स इंप्लीमेंट द बेस्ट सॉल्यूशन, कि हमको जो मिला है अगर उसमें स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें कुछ एनहेंसमेंट करेंगे उस प्रोसेस में एंड देन वी विल इंप्लीमेंट द बेस्ट सॉल्यूशन. So that is the PDCA cycle. वही यहाँ explain किया गया है that in a deeming wheel the plan, plan क्या करता है, define करता है process. The plan will define the process, ensures the documentation and set the measurable objective against it. ठीक है. And do क्या करता है, do will execute the process. Do करना, द टर्म सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज दिस विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमको उस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए. चेक, चेक विल एनालाइज द इन्फॉर्मेशन इन अ सुटेबल फॉर्मेट, कि हमने जो प्रोसेस किया उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया क्या वो सही है या नहीं, करेक्ट है और इनकरेक्ट हम यहाँ चेक करेंगे. एंड देन फाइनली एक्ट, एक्ट विल ब्रिंग अबाउट द करेक्टिव एक्शन यूजिंग द TQM टेक्निक एंड मेथड्स. ठीक है. लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स आर देयर ऑफ TQM which can be utilized to do this act. ठीक है. ये act वाला part करने के लिए. So at the end of each cycle the process is either standardized or adjusted. ठीक है. either हम क्या करते हैं, हमारा जो whole process चल रहा होता है, ये जो हमारा whole process है, इसको हम लोग क्या करते हैं, either हम standardized कर देते हैं, either this will be standardized or either it will be adjusted according to the need. This problem को remove करने के लिए जो हमको need है उसके हिसाब से या तो हम adjust कर देंगे हमारा जो process है उसको, या फिर हम एक standard set कर देंगे कि सब लोगों को यही standard follow करना है उस process के लिए. ठीक है. So this is about the Deming wheel of total quality management. ठीक है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल एंड एक्शंस ऑफ अ TQM. ठीक है. सो दिस आर द प्रिंसिपल्स एंड उसके अंदर क्या क्या एक्शंस होते हैं अंडर TQM. ठीक है. सो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में द अप्रोच, अप्रोच प्रिंसिपल में क्या होता है, हम लोग जो TQM है वो मैनेजमेंट लेड होता है, ये इम्प्लॉय लेड या फिर आपका लेबर लेड नहीं होता है. ठीक है. मैनेजमेंट विल लीड फॉर द TQM, क्योंकि अल्टीमेटली TQM करने के लिए हमको लॉट ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, आइदर इन द टर्म्स ऑफ फंड्स बोल लें, रॉ मटेरियल की नई जरूरत है, इक्विपमेंट्स नए चेंज करना है, मशीनरीज नए लगाना है, प्रोसेसेस चेंज करना है, तो ये क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब काम करना. ठीक है. तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट लेवल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट प्रिंसिपल द स्कोप. द स्कोप में क्या होता है, वो कंपनी वाइड होता है, ऐसा नहीं कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शनल या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होगा. TQM है टोटल क्वालिटी, देखो टर्म्स में ही लिखा हुआ है टी, टोटल. तो टोटल क्या होगा, आपका पूरा कंपनी, पूरे होल कंपनी में इंप्लीमेंट होगा TQM. नेक्स्ट इज द स्केल. द स्केल मीन्स प्रिंसिपल में क्या है, हम क्या एक्शन करते हैं, दैट इज एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी. स्केल मीन्स कौन से लेवल तक है, स्मॉल स्केल तक है, लार्ज स्केल तक है, या फिर व्हाट वी कैन से मीडियम लेवल तक है. तो हियर लार्ज स्केल में है, दैट इज ईच एंड एवरी person who is working in the organization for the improvement in the quality is responsible.
ठीक है, अगर एक बंदा ढंग से काम नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस पर दिखेगा. नेक्स्ट इज द फिलोसफी प्रिंसिपल. सो फिलोसफी में दिस इज द प्रिवेंशन नॉट डिटेक्शन. सो TQM में हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं कि हमने ऑलरेडी जो चीज़ें की हैं या जो प्रोसेस चल रही है उसमें हम और क्या इन्हेंसमेंट कर सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं कि सो दैट हमारे डिफेक्ट्स कम से कम हो, प्रॉब्लम कम से कम हो, एरर्स कम से कम आए, ठीक है, एंड हमारा लॉसेस कम से कम हो. सो दिस इज अ प्रिवेंशन प्रोसेस नॉट अ डिटेक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल. ठीक है, सो स्टैंडर्ड जो होती है वो स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम. ठीक है, मीन्स स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हैं फॉर द क्वालिटी. ठीक है, यहाँ पे जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, इसका स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं पहले से ही प्रायर हम लोग डिफाइन करके चलते हैं कि हमको इस स्टैंडर्ड का, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको बनाना है. ऐसा नहीं कि आपका एक बार प्रोडक्ट की क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग हो गया देन आफ्टर यू आर लाइक हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है सो वी नीड टू इन्हेंस द क्वालिटी. ऐसा नहीं, आपको स्टैंडर्ड जो है या क्वालिटी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आपने मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसके स्टैंडर्ड पहले से ही सेट करके रखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रोल. सो द कंट्रोल प्रिंसिपल के अंदर एक्शंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कि हम जो कॉस्ट क्वालिटी तो इम्प्रूव कर रहे हैं बट उसका जो कॉस्ट है वो इन्हेंस नहीं होना चाहिए. जो कॉस्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का वो क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए. जो हमने यहाँ पढ़ा था देखो, दैट इट शुड बी ऑफ लो कॉस्ट. ठीक है, इट शुड बी, यहाँ देखो लास्ट लाइन, दैट इट शुड बी एट द लोएस्ट कॉस्ट. वेयर इज कर्सर, ओके, इट शुड बी एट द लोएस्ट कॉस्ट एट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका द थीम. द थीम क्या है, तो मेन थीम मैंने पहले बताया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन थीम प्रिंसिपल क्या है, दैट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द सेल्स प्रॉफिट जो भी है. ठीक है, नेक्स्ट इज द डायमेंशंस, कि कौन कौन से डायमेंशंस को कवर करता है, ह्यूमन, टेक्निकल, कल्चरल. ठीक है, सारे फैक्टर्स को कवर करता है TQM. ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM. ठीक है, सो देर आर द फोर स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिपरेशन. सो इन दिस स्टेज क्या करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है या ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, ये सब से रिलेटेड हम क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम कस्टमर सर्वे करा सकते हैं, सप्लायर से भी सर्वे करा सकते हैं, इंप्लॉय से भी सर्वे करा सकते हैं कि इंप्लॉयज या वेदर द इंप्लॉयज आर सेटिस्फाइड विद द TQM प्रोसेस और TQM टेक्निक्स और नॉट. ठीक है, हम सारा क्या करेंगे इस प्रोसेस में आइडेंटिफाई करेंगे एंड वी विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, देन आफ्टर वी विल प्रिपेयर अ प्लान. ठीक है, इसी के अंडर भी है क्या प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन मींस हमको क्या मिला, अभी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हमको प्रॉब्लम मिल गया. सो प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग प्लानिंग करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग. सो मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग मींस कि मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो कौन से मेथडोलॉजी को यूज करेगा TQM में एंड उसको अडॉप्ट करेगा नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम बट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक सिंगल टाइम या सिंगल शॉट के लिए नहीं, फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा कौन सा TQM का प्रोसेस है या ऐसा कौन सा TQM की टेक्निक है जो हम क्या करते हैं इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये मैनेजमेंट क्या करेगा, समझेगा, जानेगा एंड ऑल्सो क्या करेगा, ट्राई टू एजुकेट दिस टू देयर कस्टमर, सॉरी दिस टू देयर इंप्लॉयज एंड एज वेल एज द लेबर. ठीक है, अब मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग है तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली काम किन किन से कराना है, लेबर से कराना है, इंप्लॉयज से कराना है, एग्जीक्यूटिव से कराना है, तो क्या करेगा वो उनको समझाएगा, उनको एजुकेट करेगा कि हम जो TQM का प्रोसेस या TQM की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं वो दैट इज वेल एंड गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस विल हेल्प इन लॉन्ग रन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा, आपको भी हेल्प करेगा. तो ये लेबर को समझाना, इम्प्लॉयज को समझाना एंड एग्जीक्यूटिव को समझाना भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है विच इज डेल्ट अंडर मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग. नाउ नेक्स्ट इज स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट. सो स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्वालिटी इश्यूज थे, क्या क्या इफेक्ट्स हुए हमारे, हमने जो रेजोल्यूशन लिया इस स्टेप में. ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने जो रेजोल्यूशन लिया कि हमको कौन कौन से प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है, उस रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या चीज़ें हैं हमको जिनको ऐड करना है. ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग क्वालिटी प्रॉब्लम्स एट ईच डिवीजन, ईच फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड ट्राई टू रिमूव दैट. ठीक है, सो इसके अंडर हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पर्पस ऑफ डिपार्टमेंट वी कैन फाइंड आउट. ठीक है, उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कस्टमर एंड सप्लायर के रिलेशनशिप को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ और एनहेंसमेंट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज है उनके कॉजेस है उनको फाइंड आउट करेंगे एंड उनका जो बेस्ट सॉल्यूशन देंगे. ठीक है, ये थर्ड स्टेप में चल रहा है ये सारी चीज़ें कि हम क्या क्या करेंगे थर्ड स्टेप में. एंड ऑल्सो द प्रिवेंशन ऑफ रिकरिंग प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बार बार ऑकर होते रहते हैं. ठीक है, उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है. सो दैट इन थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट सॉल्यूशन ऑफ दैट रिकरिंग प्रॉब्लम एंड ऑल्सो ट्राई टू रिमूव दैट.
ठीक है, एंड ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड गिविंग द प्रायोरिटी इन इम्प्रूविंग द एफिशियंसी एंड इन इनहेंसिंग द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इन थर्ड स्टेप. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप, दैट इज अ क्रिटिकल एनालिसिस. सो क्रिटिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नए टारगेट सेट करते हैं सो दैट हम अपना जो है इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकें. जैसे हम लोग गुड कस्टमर एंड सप्लायर के साथ रिलेशनशिप सेट करेंगे, क्वालिटी चेन दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे, एंड जो हमारा फोकस होगा वो क्वालिटी एस्पेक्ट पे होगा. ठीक है, एंड हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द कस्टमर कि आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है. हम लोग ऑल्सो ट्राई टू कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव एंड लेबर्स कि आपका जो TQM का प्रोसेस जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया है क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं, क्या आप उससे बेनिफिट उठा पा रहे हैं या नहीं, क्या आपका वर्क जो है उसे सिम्प्लीफाई हुआ है या नहीं. ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस में करेंगे. दिस मीन्स फाइनली यहाँ पे जो आपने स्कीम सजेस्ट किया था इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो गया, एंड आफ्टर दैट हम उसको क्या कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप में एनालाइज कर रहे हैं कि हमने जो भी चीजें इंप्लीमेंट की थी एट इंडिविजुअल लेवल या एट द टीम लेवल और एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, वेदर इट इज हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज और अ नॉट. ठीक है, वेदर वी कैन गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट और अ नॉट. ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं. सो दिस आर द फोर स्टेजेस ऑफ TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, अभी तक समझ में आया टॉपिक TQM, हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम. ठीक है, सो दिस आर द टेक्निक्स ऑफ द TQM. ठीक है, सो इसको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक रीड दैट कि ये टेक्निक्स हैं अंडर द TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज कस्टमर परसेप्शन सर्वे, क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट, डिपार्टमेंटल पर्पस एनालिसिस, क्वालिटी ट्रेनिंग, इंप्रूवमेंट एक्शन टीम, क्वालिटी सर्कल, सजेशन स्कीम. क्वालिटी सर्कल आप रीड करोगे HR में. ठीक है, आइदर इन दिस सेमेस्टर और इन अपकमिंग सेमेस्टर में तो डेफिनेटली रीड करोगे. ठीक है, सजेशन स्कीम, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, ये हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें रीड करने वाले हैं, जस्ट इन टाइम. एंड BPR, दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये भी हम लोग क्या कहते हैं ERP के अंडर ही एक मॉडल है. ठीक है, वो हम रीड करेंगे. आई थिंक दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस. ठीक है, सो दिस आर ऑल टेक्निक्स ऑफ TQM. ठीक है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं जस्ट टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट इज सक्सेसफुल फैक्टर्स ऑफ द TQM की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन अगर हमको करना है TQM का इन अवर ऑर्गेनाइजेशन. सो TQM किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ इम्प्लॉयज, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको TQM से रिलेटेड जो प्रोसेस करना है वो कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, लेबर करेंगे एंड एम्प्लॉय करेंगे. तो इनको हमको क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना है कि TQM को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कौन से प्रोसेसेस लगाएंगे, कौन से टेक्निक्स लगाएंगे. बेंचमार्किंग मींस हम कुछ एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे. ठीक है, कि इस स्टैंडर्ड्स का ही हमको प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है कस्टमर को डिलीवर करना है. ठीक है, सो दैट द कस्टमर विल फील सेटिस्फाइड. नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कर सकते हैं. ठीक है, आप क्वेश्चनेयर भरवा सकते हो, उससे उनसे इंटरव्यू ले सकते हो. ठीक है, उनको ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, इस तरह से जो है सर्वे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, कि ऐसे कोई इंप्लॉई है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे कोई लेबर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड दे सकते हैं कि उन्होंने TQM में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कमिटमेंट, कि मैनेजमेंट के पास भी कमिटमेंट होना चाहिए कि उनको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है. ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट आज सोच रही है एंड विद इन वन ईयर वो क्या करती है, उस प्लान को ड्रॉप कर देती है. सो दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी एंड रिसोर्सेज. सो मैनेज अगर सोच रही है उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टेक्निक्स लगाने हैं, तो देन द मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ TQM. ठीक है, जो उन्होंने आइडिया TQM का सोचा उसके में कमिटेड होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द होल टॉपिक ऑफ TQM. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर जस्ट इन टाइम. ठीक है, दैट इज इन शॉर्ट नेम, दैट इज नोन एज JIT जिट. ठीक है, सो जस्ट इन टाइम इज एक्चुअली फिलोसफी. ठीक है, ये कोई टेक्निक नहीं है, इट इज ओनली अ फिलोसफी. सो दिस वॉज फर्स्ट गिवन बाय सिंजियो सिंह सिंजो. ठीक है, यहाँ पे ओ होगा, ओके सॉरी, सिंजियो सिंजो. ठीक है, ये एक जैपनीज इंजीनियर थे जो टाटा मोटर कंपनी में वर्क करते थे. ठीक है, टाटा मोटर कंपनी में वो वर्क करते थे. उन्होंने जस्ट इन टाइम जो प्रोसेस है या जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का जो टेक्निक है, टेक्निक नहीं रेदर देन इट इज़ अ फिलोसफी. ठीक है, इसको क्या किया, इवॉल्व किया या फिर इसको इन्वेंट किया. सो जस्ट इन टाइम इज अ मैनेजमेंट फिलोसफी, दिस इज नॉट अ टेक्निक, दिस इज ओनली अ फिलोसफी. ऐसा नहीं कि ये टेक्निक है, बट हाँ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, सो जस्ट इन टाइम क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली
Originally refers to the production of the goods to meet to the customer demand exactly in time, quality and a quantity, whether the customer is the final purchaser of the product or another process further along the production line. क्या बोल रहा है कि जस्ट इन टाइम, देखो टर्म से ही पता चल रहा है, जस्ट मीन्स जब कस्टमर को एग्जैक्टली उस नीड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तभी हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें. ठीक है, लिखा है ना कस्टमर डिमांड एग्जैक्टली, टू मीट टू द कस्टमर डिमांड एग्जैक्टली इन टाइम, क्वालिटी एंड अ क्वांटिटी, कि कितने टाइम पे चाहिए, कौन से टाइम पे चाहिए, कौन सी क्वालिटी में चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना ही हमारा क्या है, जस्ट इन टाइम है. ठीक है, सो जस्ट इन टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू एलिमिनेट ऑल द वेस्ट. ठीक है, जितने टाइप के हम वेस्ट जनरेट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को करते हैं या प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वो सारे वेस्ट को एलिमिनेट करना एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना एंड ट्राई टू लाइक मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट व्हेन देयर इज अ नीड और व्हेन देयर इज अ डिमांड ऑफ द कस्टमर, दैट इज नोन एज अ जस्ट इन टाइम. ठीक है, सो जस्ट इन टाइम इट हैज नाउ कम टू बी मीन फॉर प्रोड्यूसिंग विद द मिनिमम वेस्ट, जो मैंने पहले बताया, एंड द वेस्ट इज टेकन इन इट्स मोस्ट जनरल सेंस एंड इंक्लूड द टाइम एंड रिसोर्सेज एज वेल एज द मटेरियल. ठीक है, सो वेस्ट हमको क्या है, मोस्ट जनरल सेंस में लेना है, मतलब हमको टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, हमको रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं करना है, हमको मटेरियल भी वेस्ट नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसको एक ऑप्टिमल वे में यूटिलाइज करना है सो दैट हमारा जो वेस्ट है वो कम से कम हो एंड हम जब कस्टमर की डिमांड है तब हम प्रोडक्ट को बना सकें और तुरंत डिलीवर कर सकें. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा अंडर जीआरटी, दैट इज सेवन वेस्ट. ठीक है, सो सेवन वेस्ट कॉन्सेप्ट जो है इनको, इसको किसने दिया था, सिंजियो सिंजो, जो जापानीज इंजीनियर है टोयोटा मोटर कंपनी ने, उन्होंने ही दिया था सेवन वेस्ट ऑफ जीआरटी, जिसको क्या करना है हमको एलिमिनेट करना है और ट्राई टू रिड्यूस एज मच एज वी कैन, बट वैसे ट्राई टू रिमूव करना है, बट अगर रिमूव नहीं कर सकते हो तो ट्राई टू रिड्यूस इट एज मच एज यू कैन. ठीक है, और एज मच एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन. ठीक है, सो अंडर दिस फर्स्ट वन इज वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन. सो वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन मीन्स हम लोग क्या करते हैं इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके हम लोग उसको स्टॉक स्टॉक पाइल करते हैं इन्वेंट्री में. ठीक है, इन्वेंट्री में देखना बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं स्टॉक पाइल करके हम रखे होते हैं, एंड देन आफ्टर हम क्या करते हैं उसको हम अपने जो रिटेलर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम क्या करते हैं सेंड करते हैं, फिर वो वहाँ से जो शॉप्स में पहुँचता है, देन आफ्टर हम क्या करते हैं हम एज अ कस्टमर जाके उसको परचेस करते हैं. बट हमको यहाँ क्या करना है, हमारा जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी हमको जरूरत ही नहीं है, हम ओवर प्रोड्यूस करके हम लोग क्या कर रहे हैं उसको इन्वेंट्री में स्टोर कर रहे हैं, ये काम हमको नहीं करना है. ठीक है, हमको क्या करना है, सेटअप टाइम मिनिमाइज करना है, हमको ऐसा बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन द क्वालिटी, बिटवीन द क्वांटिटी एंड बिटवीन द टाइम एंड द लेआउट, कि हमारा जब नीड हो, कस्टमर को जब जरूरत हो उस प्रोडक्ट की, हम तुरंत ही वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे सकें. सो लेट लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ डोसा. ठीक है, सो डोसा में क्या होता है, आपका पैन रेडी होता है, आर यू लिसनिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों यस को? मैम, यस मैम. ठीक है, सो यू कैन कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ डोसा. ठीक है, डोसा में क्या होता है, डोसा का बैटर रेडी होता है, आपका डोसा का जो पैन है जो बड़ा सा तवा दिखता है आप लोगों को वो रेडी होता है, ऑयल रेडी होता है, आलू का जो आपका जो फिलिंग है वो रेडी होता है, उसकी चटनी रेडी होती है. सो हम क्या करता है, सिर्फ वो डोसा बनाता है एंड आपको सर्व कर देता है. सो दैट इज द वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, मीन्स ओवर प्रोडक्शन आपको कम से कम करना है. उसके लिए आपको जो टाइम है, जैसे क्या क्या टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बैटर ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखें, चटनी ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखें, आलू का फिलिंग ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखें, सो दैट इज कम्स अंडर द वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन, मीन्स हम जब सब सारी चीजें जो भी हमको रिक्वायरमेंट है वो सब हम बना के रखे हुए, हमको सिर्फ बनाना है डोसा एंड उसको क्या करना है असेंबल करके जो कस्टमर है उनको सप्लाई कर देना है, दे देना है. ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ वेटिंग. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू बैलेंस हियर द अनइवन लोड्स. ठीक है, अनइवन लोड्स ऑफ वर्कफोर्स एंड इक्विपमेंट. ठीक है, जैसे आप सपोज क्या है, आपका ऐसे स्टेप्स में चल रहे होते हैं ना प्रोसेसेस, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सारा स्टेप चलेगा, जैसे मिलिंग ड्रिलिंग ग्राइंडिंग ऐसा जो सिक्वेंशियल स्टेप हमने पढ़ा था, तो सपोज यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट आया नहीं है और यहाँ पे लेबर ऑलरेडी आके रखे खड़ा हुआ है वर्क करने के लिए, सो ये क्या होता है, वेस्ट ऑफ वेटिंग है, कि अभी लेबर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, बट ये वाली मशीन ने अभी तक क्या अपना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया है. तो हमको इस सारे जो सिक्वेंस में जो मशीन लगी हुई है इनको ऐसे सिक्वेंस में सेट करना है कि इनका जैसे आउटपुट आए वैसे ही ये लेबर यहाँ आके खड़ा होना चाहिए, कि ये वाले मशीन को वो इंस्पेक्ट कर सके, फिर यहाँ से जैसे आउटपुट आएगा देन लेबर लेबर दिस इज द लेबर वन, यहाँ पे भी कोई लेबर होगा, लेबर वन लेबर टू एंड लेबर थ्री, यहाँ पे वो आके खड़ा रहेगा. सो ये जो वेस्ट ऑफ वेटिंग है, वेटिंग का जो टाइम है उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है. नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स हमको क्या करना है, हमारा जो मशीन्स है लेआउट है, ठीक है, इनको ऐसा सेटअप करना है कि हमारा जो हैंडलिंग है वो कम से कम हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टाइम जाता है, बिकॉज ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन, हमारे मटेरियल जो होते हैं वो खराब होते हैं, या फिर हमारा जो कोई सामान है वो गिर गया तो वो टूट के खराब हो गया. तो हमको ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना है, हैंडलिंग को मिनिमाइज करना है, दैट इज द वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ. सो वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ मीन्स हमको खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं क्या उसका कोई एग्जिस्टेंस है, उसका कोई रीजन है कि हम उसको बना रहे हैं, क्या वो लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा या नहीं होगा. एंड हम फाइंड आउट करेंगे कि ईच एंड एवरी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. दैट इज द वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ, कि खुद से भी सोचना है, समझना है कि हम क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ स्टॉक, मीन्स रिड्यूसिंग ऑल द वेस्ट, ऑल द स्टॉक जो हम लोग स्टॉक पाइल करते हैं, वेदर ऑफ रॉ मटेरियल, वेदर ऑफ योर इंटरमीडिएट गुड्स और वेदर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, उसको हमको क्या करना है, कम से कम करना है, रिड्यूस करना है स्टॉक को. ठीक है. नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ मोशन. ठीक है. सो मोशन बेसिकली मीन्स आपकी जो ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का, या मैकेनाइज हो रहा है, या ऑटोमेशन हो रहा है आपके जो है मशीनरीज का. सो दैट इज द मोशन. सो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमको क्या करना है, आपका जो मोशन है उसको इम्प्रूव करना है. बेसिकली मीन्स प्रोसेस, वेस्ट ऑफ मोशन मीन्स प्रोसेस में जो टाइम जाता है उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है या फिर कम करना है. सो दिस विल इम्प्रूव द मोशन. एंड आफ्टर दैट हम, अगर हमारा जो अगर प्रोसेस अगर सही हो गया, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइनली मैकेनाइज कर सकते हैं. प्लीज हम इसको क्या कर सकते हैं, मशीन फिट कर सकते हैं, इनमें ऑटोमेटिक मशीन रोबोट लगा सकते हैं, सो दैट हमारा जो मोशन में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो कम से कम हो. वेस्ट मेकिंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मीन्स हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटोरिएट ना हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए. सो दिस विल, आपका जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होगा, कम से कम प्रोड्यूस होगा. सो आपका जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मेकिंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो कम होगा. दिस आर द सेवन वेस्ट ऑफ JIT. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ JIT. सो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ JITs आर 14. फर्स्ट वन अंडर दिस इज फ्लो लेआउट. ठीक है. सो फ्लो लेआउट मीन्स आपका जो लेआउट है, आपके जो फिजिकल जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन में होना चाहिए, किसी भी टाइप का डिले नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में सारे ऑपरेशन चलने चाहिए, किसी भी टाइप का डिले नहीं होना चाहिए. सो दैट इज द फ्लो लेआउट. मिनिमाइज करना है हमको सिक्वेंसिंग को, सिक्वेंसिंग टाइम को. ठीक है. सिक्वेंसिंग तो होगा, लेकिन सिक्वेंसिंग में जो टाइम लग रहा है उसको मिनिमाइज करना है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के जाने के बीच जो टाइम है उसको कम करना है, स्ट्रीम लाइन करना है बेसिकली मीन्स. नाउ सेकेंड वन इज स्मूद एंड बिल्डअप रेट. सो बिल्डअप रेट होगा वो स्मूदन होना चाहिए, एंड दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर. मीन्स बेसिकली हमको क्या करना है, डिमांड, वेयर इज कर्सर, डिमांड को हमको कैपेसिटी से मीट कराना है. हमने एक टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटी प्लानिंग, वहाँ ओवर प्रोडक्शन क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन मीन्स डिमांड इज लेस देन कैपेसिटी. हमारा डिमांड नहीं है, हम फिर भी उतना, उससे ज्यादा प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर कर लिया है. एंड द सेकेंड वन इज अंडर प्रोडक्शन मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन कैपेसिटी. बट हमको ये दोनों नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ मैच करना है जो हमारा कस्टमर की डिमांड है उसको हमारी कैपेसिटी के साथ. ठीक है. जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए वैसे ही हमारा जो है, सॉरी, जैसे ही कस्टमर का डिमांड आए वैसे ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेडी होना चाहिए. दैट इज द योर स्मूथ बिल्डअप रेट. नेक्स्ट इज मिक्स्ड मॉडल शेड्यूलिंग. सो मिक्स मॉडल शेड्यूलिंग मीन्स टू मैच द प्रोडक्शन रेट टू द डिमांड एज क्लोजली एज पॉसिबल. ठीक है. यहाँ पे हमको मैच तो करना है, लेकिन हमको क्या करना है, एज क्लोजली एज पॉसिबल, सो दैट देयर मस्ट बी अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोडक्शन लाइन. ठीक है. नेक्स्ट इज स्मॉल लॉट्स एंड मिनिमम सेटअप टाइम. तो आपको जो प्रोडक्ट है वो एक स्मॉल लॉट्स में प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं आपको एक बड़ा लॉट नहीं प्रोड्यूस करना है, जैसे कि मास प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको क्या करना है, लॉट्स में या फिर बैचेस में प्रोड्यूस करना है. और बैचेस भी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए. एंड उनका जो सेटअप टाइम है, जैसे एक बैच से दूसरा बैच का प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको हो सकता है सेटअप टाइम में थोड़ा सा चेंजेस करने हो, तो जो सेटअप टाइम है वो भी कम से कम होना चाहिए. बफर स्टॉक रिमूवल जो हमने यहाँ वेस्ट में पढ़ा था, दैट इज वेस्ट ऑफ स्टॉक, दैट इज हमको स्टॉक पाइल नहीं करना है, वही है. दैट इज बफर स्टॉक जो हम बना के रखते हैं ऑफ रॉ मटेरियल का, इंटरमीडिएट गुड्स का या फिनिश्ड गुड्स का, उसको हमको कम करना है. नेक्स्ट इज कनबन कार्ड. सो कनबन कार्ड इज एक्चुअली अ पुल सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं मटेरियल के मूवमेंट को फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग. ठीक है. दैट इज जैसे हमारा रॉ मटेरियल आता है टिल द टाइम आपका जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इन दोनों के बीच जो टाइम लगता है उस टोटल टाइम को हम लोग कनबन कार्ड बोलते हैं. या फिर जैसे कि रॉ मटेरियल आया तो इसमें आएगा C1 का एक, सॉरी, एक कनबन कार्ड हो गया, फिर क्या है वो एक नेक्स्ट प्रोसेस में गया तो K2 हो गया. तो इन दोनों तीनों प्रोसेस के बीच जो काम जो टाइम लगता है, दैट इज द कनबर्न कार्ड. और जितने ज़्यादा कनबर्न कार्ड होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम जो है आपका लग रहा है. मीन्स हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना नंबर ऑफ कार्ड्स को. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वालिटी. सो एज यू नो कि क्वालिटी तो हमको इम्प्रूव करनी चाहिए, करनी ही है अंडर द JIT, कि जीरो डिफेक्ट हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन. जो आपका प्रोडक्ट है वो भी सिंप्लीफाइड होना चाहिए, आपका जो प्रोसेस है वो भी सिंप्लीफाइड होना चाहिए. आपको प्रोडक्ट ऐसा मैन्युफैक्चर करना है सो दैट विल बी लाइक दैट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर और डिमांड ऑफ द कस्टमर.
ठीक है, एंड द प्रोसेस मस्ट बी सिंपल सो दैट हमारा जो लेबर है या जो हमारे इम्प्लॉयज़ हैं वो उसको क्या कर सकें, इजिली समझ सकें एंड उसको फॉलो कर सकें. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज कंटेनर. ठीक है, सो जो आपका कंटेनर है वो भी क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइज होना चाहिए एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए. ठीक है, सपोज 1 किलो का हमको क्या करना है, कोई प्रोडक्ट पैक करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 किलो का ही कंटेनर बनाएंगे. ऐसा नहीं कि हम 1 kg 100 g, ठीक है, 1.1 kg का नहीं बना लेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपका जो कंटेनर बनने में जो इतना जो वेस्टेज हो रहा है, जहाँ पे आ रहा जो एयर है, ठीक है, सो वो ये स्पेस वेस्ट हो रहा है, इस कंटेनर को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, एंड आप इसमें एक्स्ट्रा भर भी नहीं कर सकते, एंड बिकॉज ऑफ एयर हो सकता है आपका जो जो आपने जो प्रोडक्ट अंदर फिल किया है हो सकता है वो भी खराब हो जाए. सो आपको क्या करना है, कंटेनर को स्टैंडर्ड साइज का बनाना है एंड एज वेल एज कॉम्पैक्ट साइज का. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. सो एज यू नो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो आपका मशीन की ब्रेकडाउन हो जाएगी, फिर बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकडाउन क्या होगा, आपके लेबर आइडल होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके मशीन्स वर्क नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्शन शेड्यूल स्टॉप हो जाएगा. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है हमको इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और व्हाट वी कैन से कि अर्ली कर ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ठीक है, बट हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स. तो फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स मीन्स आपको ऐसे वर्कफोर्स या लेबर को हायर करना है जो क्रॉस फंक्शनल होने चाहिए. ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेबर वन, लेबर टू. ठीक है, ये मशीन M1 में काम करने में इफिशियंट है, ये मशीन M2 में काम करने के इफिशियंट है, बट लेबर वन को M2 मशीन का भी वर्क आता है समझ में, वो कर सकता है अगर लेबर वन प्रेजेंट नहीं है तो. इन द सेम वे अगर लेबर L2 को मशीन M1 का भी वर्क करने आता है इफ द लेबर वन इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ क्रॉस फंक्शनिंग. दैट इज लेबर वन कैन डू द वर्क ऑफ मशीन M2 अगर क्या होगा, हमारा जो लेबर टू है वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर लेबर टू जो है मशीन वन का भी वर्क कर सकता है अगर लेबर वन प्रेजेंट नहीं है. सो दैट इज द फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, कि एक दूसरे का काम सबको आना चाहिए, सो दैट कि अगर कोई एब्सेंट होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमारा जो वर्क है वो स्टॉप ना हो. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इन मॉड्यूल एंड सेल्स. तो हम क्या करते हैं, हमारे होल ऑर्गेनाइजेशन को अंडर द JIT क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स या सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग अंडर दिस मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीज एंड हर एक्टिविटी. ठीक है, या हीज और हर जॉब के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है कि वो अपने जॉब के लिए किसी और को ब्लेम करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली JIT में क्या होता है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. सो एज यू नो दैट JIT इज अ फिलोसफी ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन इन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट प्रोसेस. ठीक है, सो ये तो बहुत ही जनरल साइंस का टर्म था. नेक्स्ट इज JIT परचेसिंग. सो JIT परचेसिंग मीन्स मटेरियल एंड कंपोनेंट जो भी परचेस कर रहा है कस्टमर, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी का होना चाहिए, एंड प्रॉपर टाइम पे डिलीवर होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज द JIT परचेसिंग. इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, गुड गुड कस्टमर रिलेशनशिप बनेगा, आपका बायर सेलर रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, कस्टमर विल फील डिलाइटेड, कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, आपका ब्रांड इमेज क्रिएट होगा, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, आपकी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा. ठीक है, सो दिस आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ JIT. सो हैव यू अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस मैम. यस मैम. सिर्फ एक ही है. Yes, Now ma'am. comes to the last topic of unit 3, that is ERP, that is enterprise resource planning. So enterprise resource planning का सबसे best example है जो आपके अभी organization में चल रहा है, that is LCIT में चल रहा है. क्या चल रहा है? कैमो ऐप. सो कैमो ऐप में अभी आप लोगों के लिए पता नहीं ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, बट दिस इज अ ERP जहाँ पे हमारा पूरा डेटा है, इवन टीचर्स का भी है, एम्प्लॉयज़ का भी, अदर जो स्टाफ है उनका भी है, आपके स्टूडेंट्स का भी डेटा है. इवन थोड़े दिनों बाद इसमें आप CT के मार्क्स देख सकते हैं, आपका जो है क्या कहते हैं, अटेंडेंस यू कैन चेक. अटेंडेंस तो अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? यस मैम. आर यू एबल यस टू सी द मैम. अटेंडेंस? हाँ, अटेंडेंस दिख रहा होगा. आप थोड़े दिन में CT के मार्क्स यहाँ देख सकते हैं, आप अपने TA के मार्क्स देख सकते हैं, आप अपने एंड सेमेस्टर के मार्क्स भी यहाँ देख सकेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स देख सकेंगे. बेसिकली अगर हम एक क्लिक करें किसी स्टूडेंट के नाम पे, तो उसका पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि उसने कब एडमिशन लिया था, उसने प्रीवियसली कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स करके आया है, अभी वो अभी कौन से ईयर में उसने एडमिशन लिया है, कौन से सेमेस्टर में उसने कितने मार्क्स लाए हैं, कौन से सब्जेक्ट में लाए हैं. ठीक है, ऐसा टोटल जो सिस्टम क्रिएट होता है दैट इज नोन एज अ ERP. ठीक है, सो ये क्या होता है, ERP इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज इट्स बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग द सेंट्रलाइज रिलेशन डेटाबेस. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, एक डेटाबेस क्रिएट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने होल और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन,
ठीक है। सो इसमें एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जैसे एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट का अलग है, आप लोगों के अटेंडेंस वगैरह के लिए एक अलग, मतलब है सारी उसी में ही, एक एक मॉड्यूल होता है ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक एक मॉड्यूल बना देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का अटेंडेंस वाला मॉड्यूल हो गया, स्टूडेंट के एग्जाम का मार्क्स वाला अलग मॉड्यूल हो गया, अगर इम्प्लॉयज है तो इम्प्लॉयज का अटेंडेंस का अलग अलग एक मॉड्यूल हो गया। ये सारे मॉड्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं एट अ सिंगल प्लेस, दैट इज नोन एज अ ईआरपी ठीक है। सो दिस इट विल अलाउ द बिजनेस टू सी द स्नैपशॉट ऑफ हाउ इफेक्टिवली इट्स की फंक्शंस आर, फॉर एग्जांपल द इन्वेंटरी लेवल और सेल्स पर्सनल हु आर वर्किंग टुगेदर ठीक है। सो सारी जो चीजें हम एक साथ देख सकते हैं। सो बाय डूइंग सो इट कैन बेटर प्लान हाउ टू यूज द सेंट्रलाइज रिसोर्सेज अक्रॉस द एंटरप्राइज ठीक है। जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर हम एक स्टूडेंट का नेम टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा ठीक है, सेंट्रलाइज्ड होता है। एंड ईआरपी सिस्टम टिपिकली कंटेन्स द एक डैशबोर्ड होता है विच इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल डेटाबेस ठीक है। जैसे आप भी ओपन करते हैं तो उसका एक सेंट्रल डेटाबेस होता है, आप एक डैशबोर्ड ओपन करते हैं, वहाँ क्या करते हैं आप अपना अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं एंड एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू डू ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सोफिस्टिकेशन ऑफ द ईआरपी वेंडर्स इंडिविजुअल मॉड्यूल मे हैव द न्यूमरस सब मॉड्यूल। देखो देखो मैंने बोला, पहले ही बताया था मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ। सो एक इंडिविजुअल जो मॉड्यूल है, जैसे अगर स्टूडेंट मॉड्यूल है तो स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, आपका अटेंडेंस एक मॉड्यूल हो सकता है, आपका मार्क्स एक मॉड्यूल हो सकता है ठीक है। सीटी के मार्क्स कैन बी मेड अलग मॉड्यूल, योर एंड सेमेस्टर कैन बी मेड अलग मॉड्यूल, एंड आपका जो सब्जेक्ट है कि कौन सी टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितना सब्जेक्ट कंप्लीशन हुआ है, वो सब एक अलग मॉड्यूल बना सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं विद इन अ सिंगल इंडिविजुअल मॉड्यूल विच कैन बी एडेड टू रिफ्लेक्ट हाउ योर बिजनेस ऑपरेट्स ठीक है। सो दिस इज द ईआरपी। सो नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड एन ईआरपी सिस्टम, ईआरपी सिस्टम की क्यों जरूरत है, व्हाई, बिकॉज ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस आर इंटीग्रेटेड। सपोज आपको अटेंडेंस के लिए एक अलग अलग ऐप यूज कर रहे हैं आप, फिर स्टूडेंट को क्या कहते हैं गाइड करने के लिए आप अलग ऐप यूज कर रहे हैं, अटेंडेंस को आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रहे हैं। सो ये क्या होता है, हैफजार्ड हो जाता है कि किनको कहाँ जाके क्या चीजें देखनी है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। सो हम क्या करते हैं, एक बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन के को यूज करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज वाई देर इज अ नीड of an ERP ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स टीम्स आर टेकिंग ऑर्डर ओवर द फोन्स एंड कैन सी हाउ मेनी विगेट्स आर लेफ्ट इन द इन्वेंट्री एट द टाइम फॉर अ गिवन मिनट ठीक है। अगर सेल्स टीम है, अगर सेल्स टीम किसी को कुछ सेल कर रही है, उनको कॉल पे है, तो वो तुरंत ही सिस्टम में तुरंत ही चेक कर सकते हैं कि कितना इन्वेंट्री लेवल बचा हुआ है, हमारा कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है उस पर्टिकुलर जो कस्टमर की डिमांड है उसका ठीक है। इवन अकाउंटिंग फॉर एन ऑनलाइन ऑर्डर दैट बाईपास द कस्टमर सर्विसेज ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इज लुकिंग एट द सेम डेटा एंड नोज दैट वेदर और नॉट टू रैंप अप द असेंबली ऑन द लाइन ठीक है, ये तो कॉमन है। नाउ इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके जो ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं वो ऑटोमेटिकली नोटिफाइड हो जाते हैं ऑफ द पार्ट्स जो कम है ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट का 100 यूनिट आपको चाहिए एंड आपने क्या किया 90 यूनिट जो है प्रोडक्शन में यूज कर लिया, अब 10 ही बचा हुआ है, तो तुरंत ही आपके सप्लायर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि अभी सिर्फ 10 यूनिट्स बचे हैं आपके प्रोडक्शन शेड्यूल में, आपको सप्लाई करना है। तो सप्लायर क्या करेगा, फिर से 100 यूनिट सेंड कर देगा रॉ मटेरियल का ठीक है। ऐसे ही सेम शिपिंग में यूज होता है, शिपिंग कैन अकाउंट फॉर ईच आइटम बींग शिप्ड एंड इट अराइव एट इट डेस्टिनेशन। जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, मोस्टली करते होंगे, कहाँ कहाँ से करते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा करते हैं या नहीं करते हैं? मैम अमेजोन, हाँ कहीं से भी करते हैं ना, ऑनलाइन शॉप करते हैं ना। तो देखना जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑर्डर कंफर्म का मैसेज आएगा ठीक है। जैसे ही आपका जो सेलर है वो ऑर्डर को क्या करता है, कंफर्म करता है, तो ऑर्डर कंफर्म का मैसेज आएगा। देन आफ्टर आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप होना, सॉरी सबसे पहले तो पैकेजिंग होती है, जैसे पैक होता है तब आपका एक मैसेज आ जाता है दैट योर ऑर्डर हैज बीन पैक्ड। देन आफ्टर दैट शिप होता है, शिप करके आपके लोकेशन में पहुंचता है तो बता देता है कि शिप होके कहाँ पहुंच गया, रायपुर हब में पहुंच गया या बिलासपुर पहुंच गया, ये बता देगा ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, जिस दिन डिलीवरी आनी रहती है उस दिन सुबह आपको मैसेज आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट आज सुबह डिलीवर होने वाला है। जैसे डिलीवर होता है प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट फिर आपको मैसेज आ जाता है दैट योर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड ठीक है। सो ये भी एक ईआरपी सिस्टम है, समझ में आया? यस और नो? यस मैम। इसी एग्जांपल में क्या समझाऊं, जो ऑनलाइन आप जो शॉपिंग करते हो, अमेजोन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, सबसे बेसिक तो एग्जाम्पल बता रही हूँ ईआरपी सिस्टम का ठीक है। सो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आपका ईच एंड एवरी स्टेप में रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें सेंड कर सकते हो ठीक है। सो इट इज इजी टू सी हाउ मच फास्टर यू कैन वर्क एंड व्हेन दिस टास्क आर ऑटोमेटेड। सो इट इज आल्सो इजी टू सी हाउ मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव इट इज एंड व्हेन यू आर बाइंग द इंटीग्रेटेड ईआरपी सॉफ्टवेयर रेदर देन द इंडिविजुअल एप्लीकेशन ठीक है। सो ये है सारे आपके ईआरपी के
नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ द ईआरपी. आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ईआरपी को. यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट इन एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मीडिया, फॉर अपैरल्स, फुटवेयर एंड एसेसरीज के लिए यू कैन यूज, फॉर कंसल्टिंग फॉर्म्स, फॉर एजुकेशन, जैसे एजुकेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी, कैमो ऐप यूज कर रहे हैं, फॉर एनर्जी पावर रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तो हम यूज ही कर रहे हैं, जैसे गूगल पे है, ठीक है, ये सब भी ईआरपी सिस्टम से चलते हैं, और फोन पे है, भीम यूपीआई, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस, ठीक है, जैसे हमारा जोमेटो है, स्विगी है, ये सब भी है, हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, आईटी सर्विसेज, एज यू ऑल नो आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मीडिया एंड पब्लिशिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे एरियाज में ईआरपी यू कैन यूज, ठीक है. सो दिस इज